नमस्कार दोस्तों, हम डॉक्टर कन्हाई कुमार सिंह होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे कि आँख से पानी गिरना या आँख में लाल पड़ जाना, आँख में चोट लग जाना, इसके कारण होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है, इसका साइन एंड सिम्टम क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर आपको सर्द गर्म के कारण अभी आँख आ गया हो, आँख में पूरा लालापन आ गया हो, आँख से कांचे गिर रहा हो सर्द गर्म के कारण, गर्मी के कारण, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइट 30 सीज पोटेंसी और बेलाडोना 30 सीज पोटेंसी दोनों को आप बराबर मात्रा में मिला लें और आप 5-5 दिन सुबह, दोपहर, शाम ले, आपको भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगी। इसके साथ आप हैप्रेपो कंपनी का आता है, रेपो कंपनी का आता है सिनेरिया मायसिन आपको इसमें कॉम्बिनेशन मिली हुई है, यूफ्रेसिया क्यू अर्जेंटम नाइट्रिकम सिनेरिया मायसिन, इसे आप दो दो बूंद सुबह, दोपहर, शाम दो दो बूंद आँख में डालें, आपको आँख के लाली कट जाएगा, आपको आँख आ गया हो वो भी ख़त्म हो जाएगा, और आप एकोनाइट और बेलाडोना दोनों मिलाकर 30 सीज पोटेंसी आप 5-5 बूंद सुबह, दोपहर, शाम लें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगी। आँख आ गया हो, आँख में ललापन आ गया हो, कांची आता हो, इसके लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है सिनेरिया मायसिन, और इसके साथ आप एकोनाइट बेलाडोना लें। आँख के रोग यानी डिजीज ऑफ द आईज, अगर हमको आँख में सर्द गर्म के कारण या आँख में चोट लगने के कारण, आँख से अगर पानी गिर रहा हो, चोट लगने के कारण अगर आँख से पानी गिर रहा हो, इसके लिए अटरमेसिया बल्गेरिस 30 आप दो दो बूंद सुबह, दोपहर, शाम, ऐसे तो अर्निका काम करती है बहुत अच्छा, लेकिन अगर आँख में चोट लगने के कारण अगर पानी गिर रहा हो, आँख लाल हो गया हो, उसमें सूजन हो गया हो, उसके लिए अटरमेसिया बल्गेरिस 30 सेज पोटेंसी आप दो दो बूंद सुबह, दोपहर, शाम लें, या नॉर्मली अगर आँख से पानी गिर रहा हो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है सीना 200 पावर और इफ्रेसिया 200 पावर आप दो दो बूंद सुबह, शाम लें, इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेंगे। अगर ठंड लग गया हो, उसके कारण से आँख आ गया हो, आँख लाल हो गया हो, या आप स्नान किए सर्द गर्म के कारण आँख लाल हो गया हो, आँख फूल गया हो, उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है एकोनाइट एक्यूट कंडीशन यानी तुरंत, एक्यूट मतलब नया, यानी एक्यूट मतलब नया तुरंत बीमारी हो गया हो, उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है एकोनाइट आप 30 सेज पोटेंसी दो दो बूंद सुबह, दोपहर, शाम ले, आप 2 से 3 दिन ले, आपको बीमारी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरी, अगर धुंधला दिखाई दे, आँख से अगर चोट लग गया हो या स्पष्ट दृष्टि धुंधला दिखाई दे और पीले रंग की दिखाई दे, उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन, अगर आप मिट्टी खाते हैं या बच्चा मिट्टी खाता हो और उसे धुंधला दिखाई दे, तो एलुमिना 30 सेज पोटेंसी आप दो दो बूंद सुबह, दोपहर, शाम ले, आपको बिल्कुल अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आँख के पलकों पर गुहेरी हो जाता है, यानी बार बार आँख के पलकों पर घाव की तरह गुहेरी हो जाता है, एक बार वो ठीक हुआ दूसरा हो गया, ये वो ठीक हुआ दूसरा हो गया, इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है अष्टफिगेरिया 30 सेज पोटेंसी आप दो दो बूंद सुबह, दोपहर, शाम ले, आपको बहुत अच्छा काम लाभ मिलेगा। एक वस्तु या आधी वस्तु दिखाई दे, उसके लिए ऑरोमेट 30 सेज पोटेंसी बहुत अच्छा दवा है। अगर रतौंधी हो गया, अगर आपको रतौंधी हो गया हो, तो इसके लिए फाइजेस्ट गीमा 200 पावर अब 3 बूंद एक टाइम ले, अगर आप 2-3 दिन दवा लें, अगर आराम मिले तो दवा को कंटिन्यू करें। चौथी है दिनौधी की दवा, रतौंधी की तो सब जानते हैं कि फाइजेस्ट गीमा, लेकिन दिनौधी हो गया हो, दिन में दिखाई नहीं देता हो, तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है साइलेसिया 30 सेज पोटेंसी आप दो दो बूंद सुबह, दोपहर, शाम ले, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगी। इसके बाद आती है मोतियाबिंद की दवा, अगर मोतियाबिंद हो गया हो उसके लिए कलकेरिया फ्लोर आप 30 सेज पोटेंसी दो दो बूंद सुबह, दोपहर, शाम ले, और इसे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेंगे। और कास्टिक हम इसके साथ ले सकते हैं सिम्टम मिलाकर। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे कि आपको वीडियो नया अपडेट आता रहे, और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। अगर हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो जल्दी से जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। दोस्तों को साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक यू सो मच।